बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपको पता चल ही गया होगा हमारे किचन में क्या बनने लगा है। हमारे किचन में बन रहा है भिंडियाँ। भिंडियाँ बनाने के लिए हमें किन अशिया की ज़रूरत है आपको बताते हैं। एक पाव से आधा पाव। सो जी, तो व्यूअर्स अभी हमारे पास हमने लिए हैं डेढ़ पाव भिंडियाँ, उनको हमने इस तरीके से काट लिया है। तीन अदद हमने लिए हैं प्याज, उनकी हमने कटिंग इस तरीके से कर लिया। भिंडी और प्याज पकाएंगे, इसमें चिकन शामिल नहीं करना। दो हमने टमाटर लिए हैं, उनकी हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ पे चार से पांच हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, थोड़ी सी हमने ली है इमली और ज़ीरा। तो चलिए बनाते हैं, आए आपको बताते हैं किस तरीके से बनानी है। तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने जो है नमक ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हमने इसमें शामिल कर दी है अपनी भिंडियाँ, इसको हम हल्का हल्का ब्राउन फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते हैं प्रॉपर। ये देखिए, हमने जो भिंडियाँ हैं वो हल्की हल्की फ्राई कर ली हैं। अब हम इनको निकालते हैं प्लेट में, तो निकाल के आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स हमने भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब हम जो है इसमें प्याज डाल के हल्के हल्के ब्राउन करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है हमने अपनी भिंडियाँ निकाल ली हैं, ये देखिए आपने इस तरीके से फ्राई करनी है, ठीक हो गया। आगे आपको बताते हैं व्यूवर्स, आपको प्याज जो है वो हल्के हल्के ब्राउन करके तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी दो से तीन मिनट इनको हल्के हल्के ब्राउन करेंगे, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। व्यूवर्स, ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाला जब शामिल करते हैं, यहाँ पे हमने शामिल की है इमली और ज़ीरा, साथ में हम शामिल करेंगे अपने टमाटर। बहुत मज़ेदार किस्म की हंडिया बनेगी, आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। और बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आपको लगे। बड़े छोटे सब इस सब्ज़ी को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर हमने शामिल की है हल्दी, साथ में हम शामिल कर रहे हैं एक चम्मच हमने शामिल किया है सुर्ख मिर्च का, 1 टीस्पून चाय का चम्मच, एक छोटा आधा चम्मच हमने शामिल किया है नमक का, वो आप अपने हिसाब से शामिल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा दरमियाना जिस हिसाब से नमक पसंद करते हैं, वैसे तो लाइट ही होना चाहिए नमक। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट जो है इसको भुनाई करेंगे। जी, तो व्यूवर्स अभी हम जो है ना इसके अंदर अपनी भिंडियाँ शामिल करके इसको हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे, और आपकी भिंडियाँ जो है वो तैयार। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है अभी से। सब्ज़ मिर्च काट के शामिल करेंगे, आप इसको हल्की आंच में दम पे दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी हंडिया रेडी है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट हम इसको हल्की आँच पर दम पे रख रहे हैं। हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आए हंडिया का जो है ढक्कन जो है वो उठाते हैं। हंडिया का नहीं, सॉरी, इसको कढ़ाई कहते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। इसके ऊपर हमने जो है सूखा धनिया का जो पाउडर है वो थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, अभी हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत मज़े की भिंडियाँ बनी हैं। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कुलसुम आपा किचन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।